देवताओं में क्रम प्रकट हुआ तो वो शिव के अभिषेक से प्रकट। शंकर भगवान के अभिषेक में पांच चीजें मूल चाहिए। पहले नंबर पर दूध चाहिए, दूसरे नंबर पर दही चाहिए, तीसरे नंबर पर घृत चाहिए घी, चौथे नंबर पर शहद चाहिए और पांचवे नंबर पर शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। अब ये पांच चीजें अपन चढ़ाते 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 पूरा जीवन हो गया। रोज आप शिव जी को चढ़ाते हो गए, सावन महीने में चढ़ा रहे हो गए, शंकर जी को शिवरात्रि पे भी चढ़ाते हो गए, या कोई भी मूर्ति की, चाहे नारायण हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, उनका जब हम अभिषेक करते हैं तो ये पांच चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। ये पंचामृत की जरूरत है, पर ये पंचामृत आखिर हम क्यों समर्पित करते हैं? इसकी जगह हम गन्ने का रस समर्पित करते हैं, हम कोई मौसम्बी का जूस समर्पित कर दें, हम कोई फल का रस भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई जल से भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु को सिद्ध कर कर भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नए रस से भगवान का अभिषेक कर दें, हम आम के जूस से भगवान का अभिषेक कर दें। पर ये भले तुम कुछ भी समर्पित कर दो, चाहे तुम गन्ने का रस दो, चाहे तुम मौसम्बी का रस दो, चाहे तुम कुछ भी दो, पर उसमें जो मूल तत्व है वो ये पांच चीजें, ये पंचामृत है। पहले नंबर पर क्या, जम के बोलो, दूध। दूसरे नंबर पर दही। तीसरे नंबर पर घी। चौथे नंबर पर शहद। पांचवे नंबर पर शक्कर। ये पांच चीजें हमें समर्पित करना है, और क्यों समर्पित करना है और किस लिए समर्पित। हम शिव को ये चीजें क्यों दें, हम नारायण के पूजन में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं, हम राम के पूजन में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं, हम कृष्ण के पूजन में, हम अभिषेक में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं।